जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, शादी में डाइवोर्स क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण इसके अंदर माना जाता है आपकी कुंडली का सप्तम घर। पर जब हम कुंडलियां मिलवाने जाते हैं, जब हम कुंडलियों को आपस में मेल करवाते हैं, तब ये सप्तम घर कहाँ चला जाता है? तब ये सप्तम घर दिखाई क्यों नहीं देता? तब लोग क्यों नहीं बताते कि आपकी शादी होने के कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद ये शादी टूट जाएगी? क्योंकि कुंडली का केवल सप्तम घर इस चीज़ का कारक नहीं होता। सप्तम घर के साथ साथ दूसरा घर, बारहवां घर भी इसमें सहयोग करता है। ये एक त्रिभुज है जिसे काटना, जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सातवां, बारहवां ये घर जब तक आपके परिपक्व नहीं होंगे, आपका पहला विवाह सफल नहीं हो सकता। दूसरे विवाह के लिए फिर अलग ट्राइंगल बनता है जी, वो आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये तीनों घर आपके किसी ना किसी तरीके से प्रभावित है तो आपका डाइवोर्स ज़रूर होगा। इसके बारे में विस्तार से आज बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये तो जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपका दूसरा घर वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें वाणी कारण बन जाती है। अब वाणी किसी की भी हो सकती है, आपकी, आपके घर वालों की, आपके दोस्त यारों की, किसी की भी। और वही बात सामने वाले को चुभ जाती है और उसी को मुद्दा बनाकर रिश्ते खत्म होने लगते हैं। कई कई बार इंसान गलत फहमियों में आकर रिश्ता तोड़ देता है। और गलत फहमी का कारण कौन होते हैं? इर्द गिर्द वाले जो उनके कान भरते हैं, यानी कि अगेन आपका सेकंड हाउस। किसी ना किसी तरीके से ये वाणी बहुत जबरदस्त कार्य करती है आपके रिश्ते को तोड़वाने का। बात हो रही है जब दूसरे घर की, तो दूसरे घर को हम एक बहुत बड़ी चीज के साथ काउंट करते हैं, वो है आपका वंश, कुटुंब। अगर आपका दूसरा घर अच्छा नहीं होगा तो आपका वंश नहीं चल पाएगा, आपका कुटुंब नहीं टिक पाएगा, आपको उनसे सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपका सप्तम घर यानी कि आपके हस्बैंड का घर, इसका मालिक जब तक बहुत सॉलिड पोजीशन में नहीं बैठा होगा, आज कलयुग के अंदर शादी टिकना असंभव हो जाएगा। आपका बारहवां घर यानी कि आपका शैया घर, आपका शयन सुख का घर, अगर इसके अंदर कोई भी पीड़ित ग्रह जाकर बैठ गया, कोई उग्र ग्रह जाकर बैठ गया, या सप्तम का मालिक ही जाकर बारहवें में बैठ गया, तो आपको विवाह में तकलीफ जरूर होगी। आपकी भाग्य रेखा के ऊपर अगर लगातार 9 कट बन रहे हो, चाहे भाग्य रेखा पूरी हो चाहे अधूरी हो, 9 कट अगर उस पर बन रहे हैं तो आपका विवाह टूटना निश्चित है। आपको पता होगा इस साइड में विवाह रेखा होती है, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा अधिक रेखाएं हैं तो विवाह टूटेगा संभलेगा, टूटेगा संभलेगा, टूटेगा संभलेगा। लेकिन अगर पैरेलली यहाँ पर एक या दो लाइंस चल रही हैं तो विवाह टूटेगा ही टूटेगा। आपका विवाह, आपका जो रिश्ता है वो डाइवोर्स तक कब जाएगा? वो डाइवोर्स तक तब जाएगा जब किसी भी तरीके से आप शनि से पीड़ित हो जाएंगे। शनि अगर आपके गोचर कुंडली में, आपकी महादशा में पीड़ा उत्पन्न करेगा तो आप डाइवोर्स तक जाएंगे ही जाएंगे। इन सब चीज़ों से निकलने का कोई सरल तरीका होता है? इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए कोई एक विशेष तरीका होता है? बिल्कुल होता है। जब बात आपकी डाइवोर्स पर चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाइट पेपर के ऊपर आपको एक त्रिकोण का निर्माण करना चाहिए। नीचे एक कोना होगा और ऊपर दो कोने, इसके बीच में आपको मंत्र लिख देना है, ओम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को लाल पेन से लिखने के बाद इसके ऊपर आपको 7 टिक्की लगा देनी है, 7 बिंदी लगा देनी है सिंदूर से। कौन से वाले सिंदूर से? जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद आपको इसको फोल्ड कर देना है। एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और उसके नीचे इस पेपर को रखाना है। और आपको
हनुमान जी के मंदिर में आकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के मस्तक पर, उनके कंधों पर और उनके घुटनों पर आपको लेप करवाना है पंडित जी के हाथ से, अपने हाथ से मत करिएगा। उसके पश्चात उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा सिंदूर अपने साथ ले आइएगा, उसे लाकर लगातार 11 दिन तक अपने मस्तिष्क पर उसका तिलक करना चालू कर दीजिएगा। है तो बहुत बड़ा, थोड़ा कठिन, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। एक काम और भी करिएगा, एक घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती में से चौथे अध्याय का पाठ करना चालू कर दीजिए। आपका डाइवोर्स कहीं ना कहीं होने से रुक जाएगा। समय कितना मिलेगा और ये कितने दिन चलेगा, ये तो आपकी कुंडली बताएगी। अपनी कुंडली का विवेचन करवा के इसका सटीक उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।